इधर आओ, गले लगो, वेल डन, शाबाश। वजीर आला पंजाब का सीसीपीओ से मुकालमा, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात। आपको बताएं कि वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा, आपको जाने नहीं देंगे, इधर ही काम करें, आप मेहनत से जराइम के खात्मे के लिए काम करें, हुकूमत की भरपूर सपोर्ट आपके साथ है, इधर आओ, गले लगो, वेल डन, शाबाश। वजीर आला पंजाब का सीसीपीओ से मुकालमा, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीसीपीओ गुलाम महमूद डोगर की मुलाकात हुई। इस पर बात करेंगे मियां असलम से। जी मियां असलम, इस मुलाकात के अहवाल से आगाह कीजिएगा, वजीर आला खासे खुशगवार मूठ में नजर आए। जी बिल्कुल, वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही जो है वो आज खासे खुशगवार मूड में थे, और सीसीपीओ लाहौर गुलाम महमूद डोगर को ना सिर्फ उन्होंने गले लगाया बल्कि इस बात की भी यकीन दहानी करवाई कि वो लाहौर में ही रहेंगी और उनको बिल्कुल जो है वो यहाँ से रिलीज नहीं किया जाएगा। उन्होंने उनको वेल्डन कहा, शाबाश दी, और उनको स्पेशली कहा कि आओ गले लगो, आपने जो है वो बेहतरीन काम किया है, आपको जाने नहीं देंगे। इसके साथ साथ उन्होंने जो है वो लाहौर में जराइम की सूरत हाल पर कंट्रोल करने के हवाले से भी उन्हें टास्क दिया और कहा कि आप मेहनत से जराइम के खात्मे के लिए काम करें, हुकूमत जो है वो उनकी भरपूर सपोर्ट करेगी। और सीसीपीओ लाहौर गुलाम मोहम्मद डोगर जो थे वो आज वजीर आला पंजाब से जब मिले तो खासे कॉन्फिडेंट थे और गले लगाकर उन्हें जो है वो मुबारकबाद दी और खुशी का इजहार किया वजीर आला पंजाब ने। और उनका ये कहना था कि आप क्राइम फाइटर हैं, अपनी मेहनत से जो है वो मजीद बेहतर काम करें, बेहतर से बेहतर काम करें, लेकिन आपको जो है वो हम यहाँ से जाने नहीं देंगे। याद रहे कि सीसीपीओ लाहौर को वफाकी हुकूमत ने जो है वो पंजाब से रिलीव करके एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन रिपोर्ट करने की हदायत की थी, क्योंकि उन्होंने दो दिन कबल जो है वो दो वफाकी वज़रा पर जो है वो मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया था। सही मियां असलम, आपका बहुत शुक्रिया। वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही से सीसीपीओ गुलाम डोगर की मुलाकात हुई। मुलाकात में वजीर आला पंजाब ने क्या कहा, आइए आपको एक बार फिर सुनवाते हैं।